एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक जोया में स्थित दरियापुर गांव पहुंचा। लगभग 5500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 12 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान मतीन अहमद के द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 1400 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में लगभग 200 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 300 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 25 हैंडपंप लगवाए गए हैं। साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 70 विद्युत पोल, 11 विद्युत ट्रांसफार्मर व 37 सोलर लाइट भी लगवाई गई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गाँव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाली व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 99 इज्जत घर का भी निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान ने बताया कि सरकार की अनदेखी के कारण गांव में एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं बनाया गया है। इसी के साथ एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, खडंजा, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, पानी की टंकी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 आवासों के भी निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान हूँ, ग्राम प्रधान दरियापुर हूँ और बहुत समस्याएं हैं। पानी का नाला नहीं है, पानी गंदगी बहुत हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है पूरा, नाले खराब पड़े हैं, रास्ते खराब पड़े हैं और परेशानी बहुत हो रही है। नल नहीं है, टंकी नहीं है पानी की, कोई न कोई दवाई की सुविधा है, न कोई नया पंचायत की कोई पंचायत घर है। बहुत परेशानी, सरकार बहुत परेशान कर रही है। अस्पताल नहीं है, देखिए नाला वाला बनना चाहिए हमारे यहाँ का, और बहुत से काम ऐसे नहीं हो रहे तो परेशान कर हो रहे हैं, कोई परेशानी में कोई वो नहीं है। नाम मोहम्मद उवैस है। हमारे यहाँ को सरकार कुछ नहीं दे रही, बहुत गंदगी है, पानी का निकास नहीं है, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, इसे सही कराओ जल्दी से जल्दी।